हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो पॉप 7 प्रो फ़ोन है, तो टेक्नो पॉप 7 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने टेक्नो पॉप 7 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग वाले लाइटिंग वगैरह को शो कर सकते हैं नोटिफिकेशंस में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, जो आपके फ़ोन के ऑल आइकन्स हैं। तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो इसको इनेबल कैसे करेंगे, तो बैक करके फ़ोन आइकन्स पे जाना है। तो फ़ोन आइकन्स पे जाकर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाता है, सिंपली इसको बस को इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही आप इसका यूज़ कर पाएंगे, जो भी लाइटिंग वगैरह आपके नोटिफिकेशंस में शो करेगी इनेबल करते ही, और कॉलिंग्स वगैरह पे भी शो करेगी क्योंकि हमने इसको ऑन कर दिया है। सिंपली आप इसको इनेबल या ऑफ़ कर देते हैं, तो ऑफ़ करते कोई भी लाइटिंग आपके नोटिफिकेशंस में शो नहीं करेगी क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कर सकते हैं, ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि जैसे आप इसको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसके जरिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कॉलिंग्स की, और ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्नो फोन में। तो आपको वीडियोस लिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।